हेलो एवरीवन, मैं हूँ राम लखन पाल। कैसे हैं आप? मैं तो अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छे ही होंगे। स्टूडाइट पे हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सीरीज, भारतीय दंड संहिता 1860 का एक परिचय, जिसके अंतर्गत पिछली वीडियो में हमने बात की थी अपराध के आवश्यक तत्व के विषय में, और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अपराध के आवश्यक चरण के विषय में, यानी अपराध किन किन चरणों से होकर के गुजरता है और पूर्ण होता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अपराध का आशय यानी इंटेंशन, अपराध की तैयारी यानी प्रिपरेशन, अपराध का प्रयत्न यानी अटेम्प्ट, अपराध की पूर्णता यानी एकॉम्प्लिशमेंट, ये चार चरण होते हैं जो किसी भी अपराध को पूरा करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो अपराध के पहले चरण आशय यानी इंटेंशन के विषय में विस्तार से जानते हैं कि आशय किसी भी अपराध को करने का पहला चरण है। आशय और दुराशय ये दो शब्द एक ही जैसे हैं, लेकिन ज्यादातर यूज में यानी इस्तेमाल में शब्द लाया जाता है आशय, लेकिन वास्तव में जो यहाँ पे शब्द यूज होना चाहिए वो होना चाहिए दुराशय। आशय और दुराशय में हम थोड़ा भिन्नता देखते हैं, आइए हम समझ लेते हैं क्या है। देखिए, आशय किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए मन में आए विचार को कहते हैं, और दुराशय किसी बुरे ख्याल को मन में लाना दुराशय कहलाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं, आपने देखा कि किसी व्यक्ति की जेब से कोई पर्स गिरी है। आपके मन में विचार आया कि उस व्यक्ति की पर्स को उठाकर उसे दे दिया जाए, तो ये आपका आशय था। और आपके मन में अगर ये विचार आया कि उस व्यक्ति की पर्स को उठा करके अपनी जेब में रख लिया जाए, तो ये आपके मन में दुराशय आ गया, यानी मीन्स री आ गया, क्योंकि माइंड आपका यहाँ पे गिल्टी हो गया। तो आशय और दुराशय में यही अंतर है। जनरली आशय शब्द का ही यूज होता है, लेकिन करना चाहिए यहाँ पे दुराशय शब्द का यूज। तो अब हम लोग इस शब्द को पढ़ेंगे, दुराशय के रूप में इस शब्द को हम यूज करेंगे। तो कुछ अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो भारतीय दंड संहिता में दुराशय की अनुपस्थिति में कोई अपराध नहीं किया जा सकता। यानी कोई भी अपराध होगा तो उसमें दुराशय जरूर होगा, ये नेसेसरी है। लेकिन कुछ अपवाद हैं आईपीसी में जो मैं अभी आपको बताता हूं बाद में, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किसी भी अपराध को करने के लिए मन में आया जो विचार होता है वो होता है दुराशय। एक प्रसिद्ध लैटिन सूक्ति है जो कहती है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसि मींस सिट्रिया, यानी तब तक कोई कार्य अपराध नहीं है जब तक मन अपराधी न हो। यानी मन में अपराध का होना जरूरी है, तभी किसी कार्य को करके आप अपराध कर सकते हैं। किसी अपराध का आशय मात्र विधि द्वारा दंडनीय नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को जान पाना विधि के लिए बहुत ही मुश्किल है। यानी विधि जो है किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में नहीं देखती, इस वजह से केवल मात्र किसी व्यक्ति के मन में आए विचार को विधि दंडनीय नहीं बनाती है। जो दशाएं हैं जिनको मैंने कहा था कि अपवाद हैं वो हम जान लेते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अच्छा आशय रखते हुए वो रोड पे किसी राजमार्ग पे एक टेंट लगाता है और वहाँ पर गरीब लोगों को भोजन बांट रहा है, तो वो अपने मन से तो अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि उसका माइंड जो है वो गिल्टी माइंड नहीं है, वो अच्छा काम कर रहा है। लेकिन उसकी उसके काम की वजह से रोड बाधित हो जाती है, लोक बाधा होता है, तो पब्लिक न्यूसेंस हो जाता है, जो कि भारतीय दंड संहिता 268 के अंतर्गत दंडनीय है। तो हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि इंटेंशन यानी मींस रिया के अनुपस्थिति में कोई अपराध नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ अपवाद हैं जैसे कि पब्लिक न्यूसेंस, तो उसमें इसको पनिश किया जा सकता है। कोई व्यक्ति यह कहकर नहीं बच सकता, अपना बचाव नहीं कर सकता कि नहीं, मेरे मन में कोई ऐसा मींस रिया नहीं था। तो अभी तक हम लोगों ने समझा इंटेंशन को। इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। मुकेश से पुरानी रंजिश को लेकर रमेश मुकेश को जान से मारने का मन में विचार लाता है। यहाँ रमेश के इस विचार को दुराशय यानी गिल्टी माइंड कहेंगे। अभी तक उसके मन में केवल इंटेंशन यानी मींस रिया यानी दुराशय आया है। तो ये हो गया अपराध का पहला चरण। अब दूसरे चरण की ओर पहुंचते हैं। अपराध का दूसरा चरण है तैयारी यानी प्रिपरेशन। तैयारी अपराध का दूसरा चरण है। भारतीय दंड संहिता में कुछ मामलों को छोड़कर यह दंडनीय नहीं है, क्योंकि तैयारी मात्र से यह बोध नहीं होता कि वह तैयारी किसी अपराध विशेष को करने के लिए ही की जा रही है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, रमेश एक पिस्तौल खरीदता है। मात्र पिस्तौल खरीदने से यह बोध नहीं हो जाता कि वह पिस्तौल
उसने मुकेश को जान से मारने के लिए ही खरीदी है, यह इसलिए यह तैयारी दंडनीय नहीं है। तो अभी तक उसने मन में विचार बनाया था, अब उसने क्या किया, प्रिपरेशन करने के लिए एक पिस्तौल खरीद ली मुकेश को जान से मारने के लिए। लेकिन अभी उसने चलाई नहीं है, अभी उसने कोई अटेम्प्ट नहीं किया है, उसने केवल प्रिपरेशन की है, तैयारी की है। और तैयारी भी कुछ दशाओं में छोड़ करके, कुछ दशाओं को छोड़कर आईपीसी में दंडनीय नहीं है, क्योंकि रमेश कभी भी इस बात का हवाला दे सकता है कि उसने पिस्तौल अपनी सुरक्षा के लिए खरीदी थी। अब अपवाद के बारे में समझ लेते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 122 यानी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना, कोई व्यक्ति भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए अस्त्र शस्त्र खरीदता है तो वो दंडनीय अपराध करता है, जो कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 122 में दंडनीय है। उसके साथ ही साथ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 399 में डकैती की तैयारी करना, यहाँ पे भी प्रिपरेशन अगर कोई डकैती करने के लिए करता है तो ये भी पनिशेबल है। इसके बाद हम समझते हैं अपराध के तीसरे चरण अटेम्प्ट को, यानी प्रयत्न। प्रयत्न किसी भी अपराध को करने का तीसरा चरण है और यह भारतीय दंड संहिता 1860 में दंडनीय है। उदाहरण के लिए, रमेश ने मुकेश को मारने के लिए पहले मन में विचार लाया और उसके बाद उसने तैयारी की और उसके बाद वो अटेम्प्ट करने वाला है। मुकेश को जान से मारने के लिए रमेश पिस्तौल से गोली मुकेश की ओर चला देता है और वहां मुकेश की जान बच जाती है, यानी गोली छू करके निकल जाती है। तो गोली छू करके निकल जाती है और उसने प्रयास पूरा कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया, रमेश ने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर दिया, यानी अपराध पूर्ण होने कर दिया पूरी तरह से। अब वहां पे बेशक मुकेश को गोली छू करके निकल गई, नहीं लगी है, वो जान से नहीं मरा है, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी रमेश ने अटेम्प्ट किया, और जो कि अटेम्प्ट भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 307 के अंतर्गत दंडनीय है। इसके साथ ही साथ धारा 308 आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न करना, जो कि दंडनीय है। धारा 393 लूट करने का प्रयत्न भारतीय दंड संहिता में दंडनीय है। इसके साथ ही साथ जहां कहीं किसी धारा में प्रयत्न की बात नहीं कही गई है, वहां पर अगर कोई उस ऑफेंस को करने के लिए कोई प्रयत्न करता है तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 511 उसको दंडित करने के लिए प्रावधान रखती है, यानी अन्य कई अपराधों के प्रयत्न के विषय में बात करती है। तो अभी तक हम लोगों ने तीन चरण पढ़ लिए हैं, अब चौथे चरण में हम पहुंचते हैं अपराध की पूर्णता, यानी अकॉम्प्लिशमेंट, एक्सक्यूशन ऑफ ऑफेंस जिसे कहते हैं। अपराध का चौथा और अंतिम चरण अपराध का निष्पादन यानी पूर्णता है। यह प्रयत्न के बाद की स्थिति है जिसका परिणाम क्षति है। यह भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत दंडनीय है। उदाहरण के तौर पर अभी हम मुकेश और रमेश का जो उदाहरण दे रहे थे उसी में आते हैं। मुकेश को जान से मारने के लिए रमेश पिस्तौल से मुकेश की ओर गोली चलाता है, परिणाम स्वरूप मुकेश की मृत्यु हो जाती है। अटेम्प्ट में क्या था, उसने अटेम्प्ट तो कर दिया लेकिन वो मरा नहीं। अब यहां पे उसने गोली चलाई और यहां पे मुकेश की मृत्यु हो गई, तो यहां पे क्या हुआ, अपराध पूर्ण हो गया। जैसा भी रमेश चाहता था, मन में विचार लाया, उसके बाद उसने प्रिपरेशन की, उसने अटेम्प्ट किया और उसके बाद उसने एक्सक्यूट किया, यानी एक्सक्यूशन ऑफ ऑफेंस किया, उसने जो है मुकेश को मार दिया जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 302 के अंतर्गत यह कार्य दंडनीय है, अतः रमेश सजा का पात्र है। तो हम लोगों ने अपराध के चारों चरण के विषय में समझ लिया है। तो पहला चरण था इंटेंशन यानी मींस रिया, दूसरा था प्रिपरेशन यानी तैयारी, तीसरा था अटेम्प्ट यानी प्रयत्न, और चौथा है एकॉम्प्लिशमेंट यानी अपराध की पूर्णता। तो अभी हम लोगों ने इस छोटे से लेक्चर में इतनी सारी जानकारी प्राप्त की। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। फिलहाल आप लोगों ने वीडियो देखी, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल स्टूराइड के साथ, और लेते रहिए कानून की इसी तरह से जानकारी। धन्यवाद।